सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। हेलो हेलो सर, दिस इज प्रिया, आई एम कॉलिंग फ्रॉम गोल्डन हैदराबाद इज रियल एस्टेट। आर यू प्लानिंग टू परचेज अ प्लॉट सर? या गुड प्लॉट। व्हाट सर? बोलो नहीं, समझ में आया था सर। मैं गोल्डन हैदराबाद से प्रिया बोल रही हूँ, क्या आप प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड है? प्रिया नाश्ता कर लिए मालूम? सर मैं प्लॉट के लिए फोन करी सर। अरे प्लॉट का गाड़ी छोड़ो, होटल का तुम नाश्ता करे ना करे बोलो, मैं करे तो बोलो भाई, याकूब की दुकान से डेढ़ रोटा फिराता हूँ। लोकेशन बोलो आपका। नो सर, मैं नाश्ता कर ली सर। कर लिए? अरे अरे करने से पहले फोन करना था भाई, दोनों बैठ के नाश्ते पे बात करते थे। सर आप प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं? हाँ लेने के वास्ते बैठे हुए, पर तुम दिए तो हम कहीं पुने लेते बोलो। ओके सर, मैं आपको प्लॉट की डिटेल्स बताती हूँ। बताओ ना जी, देख लेता हूँ, ये नंबर पे वीडियो कॉल करूँगा। नो सर, मैं प्लॉट पे नहीं हूँ, मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, साइट क्या है बोलो पहले, लेना नहीं लेना समझ में आता फिर। क्या जी? अरे प्लॉट जी। ओके सर, देखिए हमारे पास 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और गोल्डन हैदराबाद से 50 ईयर ओल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको। अरे रे 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 रे, इतना स्पीड बोले तो कैसा लगा, हल्लू बोलो समझ में आता और क्या है? खड़े में कितना बैठा, आड़े में कितना बैठा, क्या है बोलो? अगर तुम खड़े का आड़ा कर दिया, आड़े का खड़ा कर दिया, बाट वाले के प्लॉट में घुस जाता? नहीं जाता सर, वायर फेंसिंग करके रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, साइज क्या है बोलो? 25x45 का प्लॉट है सर और 20 का फेस है। अरे रे रे रे, बहुत छोटा फेस है ना जी, सामान आने जाने बहुत मुश्किल हो जाती ना प्रिया। इतना बड़ा सामान किसका रहता है सर? महाराजा पलंग भी 7 फीट से कम ही है, फिर भी आपका 20 फीट का फेस है। आप एक बार चल के देख तो लीजिए, शायद आपका मन बदल जाए। पहले तुम दिखाओ जी, मैं देखने के वास्ते बैठे हुआ हूँ। बोलो कब दिखाते, आओ कब भी? नहीं सर, संडे के दिन आइए ना प्लीज। संडे? आज का दिन तो गया, जुमेरा जुम्मा हफ्ता, तीन दिन। अरे रे इंतजार नहीं होता भाई अपने से, आज दिखा रहे तो बोलो। ओके सर, मैं एग्जीक्यूटिव से बात करके देखती हूँ। अरे उससे पूछ के बता देगा क्या है भाई, बोकरा बीच में हाथ रख के बात करते, सुनो तुम जो भी करना है डायरेक्ट बात करो प्रिया। ओके सर, 14,500 पर स्क्वायर यार्ड पड़ेगा। क्या बोले सर? आपको 14,500 पे एक गज जमीन है, आपको 100 गज के 14,50,000 पड़ेगा। अरे रे रे, उल्टा महंगा प्लॉट नहीं दिलाते जी हमारे साथ। आप ले रहे हो या आपके सास? आओ जी हमारे साथ, मेरे को प्लॉट दिलाते बोले थे, उनसे पूछना पड़ा मेरे को। आपके सास क्या बिजनेस करते हैं? नल्ले मुर्गुल और चिंदनियों की दुकान है हमारे सास की, ऊपर से पेंशन अलग आती। पेंशन? वाओ, आपके सास ससुर जी फौज में थे क्या? अरे नहीं, हमारे ससुर फौज में नहीं थे जी, मगर जाते जाते उनकी फौज खड़ी करके चले गए। क्या मतलब? मैडम मेरे को 5 साल है और 6 सालियां हैं। आई थिंक आपके ससुर जी आपके सासू माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अरे भाई प्यार करते थे, अरे लड़ाई झगड़े में 12 बच्चे बैठ रहे, अगर उन प्यार से रहते तो 30 साल में 25 बच्चे होते थे। वैसे आपके ससुर जी फौज में नहीं थे तो आपकी सास को कैसे पेंशन मिल रही? बेवा की पेंशन, वो कहा है हमारे सीएम कैसा रहना देते ना 2,000 रूपए। अच्छा अच्छा, तो आप 2,000 में जमीन खरीदने का सोच रहे थे क्या? नहीं माँ प्रिया, इंस्टॉलमेंट की स्कीम है तो बोलो, मैं हमारे सास से बात करके कहा है 2,000 रूपए महीने को मैंने बंदे दो। नो सर, हमारे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है, अगर आपको लेना है तो बोलो। अरे मैं तो लेना चाह रहा हूँ मैडम, आप ही नहीं दे रही, ये स्कीम नहीं है वो स्कीम नहीं है बोल रही। सर अगर आपको प्लॉट लेना है तो आपको 4 लाख एडवांस करना पड़ेगा, फिर बाकी का अमाउंट आप 45 डेज में पे कर सकते हैं। 4 लाख एडवांस? अरे इतने पैसा कहाँ से ला के देंगे वो इंसान, का है पहले कारोबार बिजनेस पूरा ठप चल रहा। बिजनेस से याद है आपका बिजनेस क्या है, कौन सा है? टायर फुटिंग हवा फुस बिजनेस है मेरा। व्हाट, ये कौन सा बिजनेस है? अरे पंचर की दुकान है मैडम। अरे यू इडियट। इडियट बोल रही पानी, देखो का है भैया पूरी खाने पैसे नहीं है यार, उनको 4 लाख रूपये एडवांस देना करते। अरे क्या बोलेंगे भाई, जब से ये ट्यूबलेस निकला वल्लाह ही बोल रहा हूँ कोई पंचर नहीं बना रहा, सुना है?
पंचर भी रहा तो आ रहे, हवा भरा रहे, चले जा रहे, टायर ट्यूबलेट में चलता ना जी, हवा बनना है। अरे पंचर दिख रहा है, हवा से काम चला लेंगे भाई। अरे तुम्हारी